देखो कैसे व्हाइट व्हाइट निकल रहा है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्प्रे पेंट है इसका प्राइस लगभग 200 रुपये है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये डुप्लीकेट स्टिकर लगा हुआ है मेरे बाइक पे जो कि 1 साल के ऊपर चल चुकी है, तो इसका जो कलर है थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि फीका पड़ गया है। तो कंपनी का कहना है तो अगर आप इसको लगा के अगर ये वाला स्प्रे पेंट इसके ऊपर स्प्रे करते हो तो ज़्यादा दिन टिक सकता है, तो मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है इसके ऊपर। तो पहले मैं आज अपना बाइक के ऊपर थोड़ा बहुत जगह पे लगाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या मतलब सही है कि या फिर गलत है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट स्टिकर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, ये मेरा बाइक है, लगभग एक साल 8 महीना हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी भी डुप्लीकेट वाला यूज कर रहा है स्टिकर, यहाँ पे देख सकते हो ये डुप्लीकेट वाला स्टिकर है और यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है, और सामने का डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट है, और ये वाला भी डुप्लीकेट, और ये वाला भी डुप्लीकेट है, खाली यही वाला ओरिजिनल है। तो जो भी लोग मेरे से सामान लिए हैं सबको मैंने ओरिजिनल तो नहीं कहा, डुप्लीकेट कहा के दिया हूँ, लेकिन मैंने कहा कि हाँ ये वाला जो है थोड़ा बहुत मतलब 1 साल 2 साल तक चल सकता है, क्योंकि मैंने उसको खुद अपने बाइक पर यूज किया है। तो ये वाला जो स्टिकर है आपको नहीं मिलता है डुप्लीकेट पैकेट के अंदर, मैंने इसको एक्स्ट्रा बनाया था जो हमारा नंबर प्लेट वाला दुकान पर जाके, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा वाला चाहिए तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल रात को मैंने इसके ऊपर स्प्रे पेंट किया था, जो आप केन देख रहे हो वहाँ पे, तो मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आया, तो मैंने जैसे ही ज़्यादा डाल दिया इसके ऊपर वाइट वाइट हो गया पाउडर की तरह। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो शाइनिंग कर रहा है थोड़ा सा, इसके ऊपर भी थोड़ा, यहाँ पे स्प्रे करने का टाइम पे थोड़ा सा छिड़क गया था इसके ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह शाइनिंग करेगा। अगर आपको ये वाला स्प्रे पेंट चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो, अमेजोन पर भी है, फ्लिपकार्ट भी है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि बेकार है, मुझे लगता है जो ओरिजिनल पेंट होता है जो कंपनी में पेंट वगैरह होके आता है, शाइनिंग जो रहता है गाड़ी का, तो वो ओरिजिनल होता है, और ये मतलब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, जब यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि ये सही नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये मत लो, ठीक है भाई। तो अगर आप कोई भी 125 का ले रहे हो या 50 का ले रहे हो, उसमें स्टिकर नहीं है, तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो जैसे ही आप शोरूम से लेते हो उसी शोरूम पे ऑर्डर कर सकते हो। जो जैसे देख सकते हो ये वाला जो स्टिकर है ये ओरिजिनल है, क्योंकि ये बेली पैन के साथ लगा हुआ आया था, ठीक है। जो ऊपर वाला है ये डुप्लीकेट है, आप देख के पता कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी में शोरूम पे जब मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि कंपनी जो गाड़ी भेजती है उसमें क्या होता है कि स्टिकर डालने के बाद जो स्प्रे पेंट आप देख रहे हो ऐसा नहीं है, जो ओरिजिनल जो लाइफ टाइम के लिए रहने वाला स्प्रे पेंट इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, ताकि जब भी गाड़ी जितना देर हो सके धूप में रहे या ना रहे तो कलर कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ऐसे ही 10 साल चलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका गाड़ी फिर भी ज़्यादा देर तक धूप में रहता है तो थोड़ा सा कलर फेड हो सकता है, लेकिन बहुत दिन के बाद, 10 साल 11 साल के बाद, ठीक है। तो कंपनी ऐसी पेंट बनाती है ताकि लंबी समय तक आपका गाड़ी पर जो क्या बोलते हैं चिकनाहट, जो शाइनिंगनेस रहने लगे, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब जनरल मतलब लोकल का है, तो ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं डाल के देखूं, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, आप देख सकते हो बिल्कुल घटिया और कोई भी शाइनिंग नहीं है, जैसे मैट फिनिश की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर से बिल्कुल पानी निकलेगा, मैंने सिर्फ इसी जगह पर इसको अप्लाई किया था, तो बाकी किधर नहीं डाला, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 190 लिकर स्प्रे, इसको अगर मैं स्प्रे करूँगा तो पानी की तरह खाली निकलेगा, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कल रात को मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया था तो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैचेस हो गया था, मैं सोचा कि ये फुल फिल हो जाएगा। तो मतलब गाड़ी के ऊपर स्प्रे करने से पहले अगर आपका पुराना गाड़ी है तो आप इसको कर सकते हो, नया गाड़ी पर मत करो, क्योंकि ये अपना गाड़ी है और मेरा YouTube चैनल है, तो इसके वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आप अपने गाड़ी को ख़राब मत करो, मैंने कुछ लोगों को ऐसे बता दिया था कि हाँ ये वाला स्प्रे पेंट आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने उनको भी कहा था कि इसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा स्प्रे मारूँगा, ठीक है, कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है,
और यहाँ पे मैंने स्प्रे किया था कल रात को, यहाँ पे थोड़ा सा शाइनिंग आ रहा है, आप देख सकते हो। इस जगह जो है खाली पेंट किया था और यहाँ पे मैंने इसको स्प्रे किया है, आपको अगर दिख सकता है तो देख लो, अगर समझ सकते हो तो समझ लो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर दूसरे जगह पे मारता हूँ कि ताकि जहाँ पे शाइनिंग नहीं है तो उस जगह पे मारने के बाद आपको पता चलेगा। तो मारने से पहले थोड़ा सा पोंछ लेना है, क्योंकि डस्ट वगैरह जो है इसके ऊपर रहता है तो वो अटैच हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं बाद में, तो ज़िंदगी भर के लिए ऐसा रहना पड़ेगा, मतलब दिखेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये 200 रुपये का है, बेकार है, तो मैं सेक करके अच्छे से, 400 ml का है, देखो कैसे वाइट वाइट निकल रहा है। तो मुझे डर लगता है कहीं ये मतलब ऐसे ही मतलब वाइट वाइट निकल रहा है, तो मुझे डर लगता है कहीं ये मतलब ऐसे ही मतलब दूर से मारता हूँ, ख़राब हो जाएगी। वाह क्या क्या बेकार और घटिया स्मेल है भाई। तो गाड़ी बेकार, मतलब शाइनिंग जहाँ पे मैट रहना चाहिए मैट तो रहेगा, और जहाँ पे शाइनिंग रहना चाहिए शाइनिंग रहेगा। अगर आप यहाँ पे अगर मैट वाला डालते हो तो ये जो शाइनिंग कर रहा है, मेरा फेस दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिखेगा। तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो अगर आपको सही में जो ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, तो आप जहाँ पे पेंट वगैरह होता है गाड़ी, जो मॉडिफिकेशन होता है वहाँ पे वो लोग ओरिजिनल यूज करते हैं जो कि लंबी समय तक रहे, तो आप उस दुकान पे जाके उसको कह सकते हो। उसमें क्या होगा कि वो बोलेगा कि आपको हर पार्ट जो है निकालना पड़ेगा, जैसे ये मड़गाड़ को निकल के अलग करना पड़ेगा, सब प्लास्टिक एरिया जहाँ पे आपको शाइनिंग चाहिए तो वो सारे चीज़ को वो अलग कर देगा गाड़ी से, ठीक है। अलग करने के बाद वो अलग तरीके से आप लोगों को मतलब पता है, वो अलग तरीके से रख के स्प्रे करेंगे, वो ओरिजिनल जो मशीन वाला स्प्रे है। तो वो जिसका प्राइस 2000 या फिर 1800-1900 होगा, ठीक है। मैंने मतलब स्टिकर डालने के बाद मेरे को किसी ने कहा था कि इसके ऊपर लिकर वाला स्प्रे करवा दो, तो मैंने उस दुकान पे गया तो उन्होंने कहा कि गाड़ी पूरा खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोलने के बाद आपको 2000 रुपया खर्चा होगा और 2-3 दिन लगेगा। तो मैंने कहा भाई चलने दो, जैसे का वैसे ही चलने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने इसे छोड़ दिया, आप देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लग रहा है गाड़ी, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है और पैसे भी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं इसको निकाल के जो ओरिजिनल वाला है तो वो भी लगा हुआ, ओरिजिनल वाला लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। आप कंपेयर कर सकते हो नीचे वाला जो कलर है और ऊपर वाला जो कलर है, थोड़ा सा मतलब मिसमैच हो रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाला और इसमें भी फ़र्क है। तो कोई बात नहीं, अभी गाड़ी मतलब 2 साल के आसपास होने वाला है, और 2-3 महीने में 2 साल हो जाएगा, और मैं इसको थोड़ा सा मतलब बुरी तरह से चलाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं इसका ख्याल अभी नहीं मतलब उसका केयर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक है, और चेन में ज़्यादा नॉइज आने लगा है, और मैंने कल रात को चेन पे थोड़ा सा ऑयल डाला था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितना कीचड़ गिरा है, और चेन को टाइट करना है, मैं सोच रहा हूँ इसको हटा दूँ, ठीक है। तो हटाने के बाद देखते हैं क्या होता है, अगर हटा दूँ तो चेन का जो साउंड है आप सुन सकते हो, ये जब भी मतलब घूमता है तो अलग तरीके का साउंड आता है, तो इसके लिए मुझे कोई उपाय नहीं है, क्योंकि शोरूम वाला क्या है कि ऐसे ही साउंड। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल गुडी जी, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और पता है ना क्या करना है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, देखते रहिए चैनल को।